हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता मौर्य अपने चैनल बिगिन विद अनीता में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको ये बैग बनाना बताऊँगी। ये मैंने साइड बैग बनाया है जिसमें आप अपना सेलफोन, अपना एक हैंकी और अपने कुछ एक्सेसरीज इसमें कैरी कर सकते हैं। ये इसमें मैंने दो स्ट्रिंग बनाई हैं। क्रोशेटिंग इसकी बहुत ही सिंपल है। एक सिंपल सा पैनल रेडी करके उसको फोल्ड करके साइड से स्टिच करके इस तरीके का लुक देना है और उसके बाद उसको डेकोरेट करना है। डेकोरेशन आप अपने तरह जैसा चाहे वैसे कर सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इसको। इसके लिए मैंने ये कॉटन थ्रेड लिया है। ये 100% कॉटन थ्रेड है और इसके लिए धागे के लिए ये 3 mm का क्रोशेट हुक मैं यूज़ करूँगी। ये 3 mm क्रोशेट हुक के अकॉर्डिंग थ्रेड है। सबसे पहले हम इस तरीके से एक लूप बनाएंगे। चेन 1, 2, 3, 4, 5, 3 and 94। ये मैंने 94 चेन्स बना ली हैं। अब मैं एक चेन एक्स्ट्रा बनाऊंगी और इस चेन में हमें कुछ नहीं करना है। इस अपनी फाउंडेशन चेन को हम ऐसे पलटेंगे और ये जो पीछे ये जो उभरे हुए पोर्शन नज़र आ रहे हैं ये वाले, ये इसमें हम क्रोशेट बनाएंगे। तो पहली चेन में हमें कुछ नहीं करना है। सेकंड वाले में, सेकंड वाले के बैक पोर्शन को इस तरीके से पिक करना है हुक पे और धागा निकाल के ऐसे सिंगल क्रोशेट बनाना है। इसको बोलते हैं सिंगल क्रोशेट। अब नेक्स्ट में जाएंगे। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, अदरवाइज़ इजी है। ध्यान दीजिए, मैं चेन को ऐसे नहीं पिक कर रही हूँ। चेन के बैक में जो ये लूप दिख रहा है इसमें से मैं सिंगल क्रोशेट बना रही हूँ इसको पिक करके। तो इस तरीके से मैं सिंगल क्रोशेट एक एक बनाती जाऊँगी। ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगा और बॉटम जो है, नीचे का पोर्शन जो है, चेन की तरह से नज़र आएगा। ये जो पोर्शन है ये चेन की तरह ऐसे नज़र आएगा, इसलिए मैंने चेन का बैक साइड का एरिया यूज़ किया। ये सेकंड लास्ट चेन में, चेन के बैक पे बना रही हूँ मैं। ये मेरा लास्ट है, ये वाला पॉइंट। तो ये इस तरीके से हमारी ये टोटल 94 सिंगल क्रोशेट बनेंगे। चेन वन बनाएंगे, टर्न करेंगे और अपने इस फर्स्ट क्रोशेट के टॉप से ऐसे लेंगे, पिक करेंगे इसको और स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरीके से। इसको इस तरीके से पिक कर रही हूँ मैं और स्लिप स्टिच बना रही हूँ ऐसे ऐसे। डाला, पुल किया लूप को और इसको ऐसे निकाल दिया। ये एंडिंग का चेन है जिसमें मैं अपनी लास्ट स्लिप स्टिच बना रही हूँ। सेकंड राउंड कंप्लीट हुआ। चेन थ्री बनाऊंगी, 1, 2 and 3। चेन थ्री बना के टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद इस
सेकंड चेन में, ये फर्स्ट को हम स्किप करेंगे, सेकंड चेन में इस तरीके से एक लूप निकालेंगे, फिर ये उससे नेक्स्ट चेन से एक लूप निकालेंगे, और फिर उसके बाद अब ध्यान दीजिएगा कि हम लूप जो है कहाँ से पिक कर रहे हैं। ये तो यहाँ पे एक चेन दिख रही है, चेन की लाइन दिख रही है, इस चेन की लाइन को हमें कुछ नहीं करना है, हमें जो है ये जो लिख रहा है ये वाला पीछे वाला जो पोर्शन दिख रहा है, पीछे वाली जो स्ट्रिप स्टिच की लाइन दिख रही है, इसका जो आधा पार्ट है, जो ऊपर वाला पार्ट है, उससे हम लूप पिक करेंगे इस तरीके से। ये देखिए ये वाला नहीं, ये वाला, टोटल 5 लूप्स हो चुके हैं, हमें टोटल 6 लूप करने हैं इस तरीके से। टोटल 6 लूप्स हो गए हैं, अब इन 6 लूप्स को एक साथ ऐसे फिनिश करेंगे और बांध देंगे। इतना करने के बाद हम इस लूप में से एक लूप लेंगे, फिर हम ये जो दिख रहा है एरिया, इसके पीछे वाले, इसके पीछे वाले में से एक लूप लेंगे, फिर एक बॉटम से लेंगे, 4 हो गए हैं, और फिर आगे के 2 चेन के एरिया से लेंगे, जो स्लिप स्टिच है हमारी बैक वाली, ये जो स्लिप स्टिच है इसका जो ये ऊपर वाला पार्ट है, ये ऊपर वाला, इससे मैं लूप ले रही हूँ ऐसे। फिर से टोटल 6 लूप्स हो गए हैं, इन 6 लूप्स को एक साथ फिनिश करके बांध देंगे। एक बार फिर से देखिएगा, पहले हम यहाँ से सेंटर से लेंगे, इस फ्लावर का सेंटर है एक तरह से ये, फिर यहाँ से लेंगे इस वाले के बैक से, बैक में जो एरिया है उससे पिक करेंगे, फिर उसके बाद इसके बॉटम से, फिर नेक्स्ट स्टेप से, फिर उसके नेक्स्ट स्टेप से, और इसको फिर ऐसे बांध देंगे ऐसे। तो ये कुछ ऐसे नज़र आएगा। ये फ्लावर अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी अधूरा है, ये अपने नेक्स्ट राउंड में पूरा होगा, कंप्लीट होगा। तो इस तरीके से बनाते हुए इस थर्ड राउंड को हम कंप्लीट करेंगे। सिक्स लूप्स हो गए हैं, इन सभी को ऐसे निकाल के और बांध दूंगी, और ये जो लास्ट का लूप बचा है इसमें मैं यहाँ पे इसको ऐसे कम्प्लीटली पिक करूँगी। ये देखिए ऐसे कम्प्लीटली पिक करूँगी और यहाँ पे सिंगल क्रोशेट बनाऊँगी इस तरीके से। ये हमारा थर्ड राउंड कंप्लीट हुआ। थर्ड राउंड के बाद टर्न करूँगी फोर्थ राउंड के लिए, पहले चेन 2 बना लूँगी और टर्न करूँगी, धागा लूँगी, और ये जो फ्लावर का सेंटर पॉइंट है, ये फ्लावर का जो सेंटर पॉइंट है, आपको साफ क्लियर होगा कि किसे मैं कह रही हूँ, वहाँ पे हम हाफ डबल क्रोशेट बनाएंगे। हाफ डबल क्रोशेट कैसे बनाते हैं, तीनों लूप में से एक साथ ऐसे निकाल देंगे, एक और इसी सेम जगह सेंटर पे हम हाफ डबल क्रोशेट बनाएंगे, धागा लेंगे और उसी सेंटर में हुक को डालते हुए पुल करेंगे लूप को, और तीनों लूप में से एक साथ निकाल देंगे, इसको बोलते हैं हाफ डबल क्रोशेट। अब हमारा जो ये फ्लावर है ये कंप्लीट हो गया, धागा लेंगे, अब नेक्स्ट फ्लावर के सेंटर पे जाएंगे, ये जो फ्लावर का सेंटर है
ये इस सर्कल के देखिए सेंटर में आ रहा है, यहाँ पे हम दो हाफ डी सी बनाएंगे। तो हमें हर फ्लावर के सेंटर में दो हाफ डी सी हाफ डबल क्रोशेट बनाने हैं इस फोर्थ राउंड में। तो ये इस तरीके से हम इस साइड से देखेंगे तो ये कंप्लीट आपका फ्लावर हो जाएगा। तो इस तरीके से बनाते हुए इस फोर्थ राउंड को हम कंप्लीट कर लेंगे। दो लास्ट के हाफ डी सी बनाने के बाद अब हम धागा लेंगे और इस लास्ट के पॉइंट को भी छोड़ेंगे नहीं, वहाँ पे भी हम क्या करेंगे एक हाफ डी सी बना देंगे। इस तरीके से हमारा ये एकदम क्लीन एजिंग किनारा बनेगा एकदम सीधा। तो ये हमारा फोर्थ राउंड जो है कंप्लीट हुआ। अब आपको मैं टर्न करके दिखा देती हूँ सीधी साइड से। ये हमारी बेसिकली राइट साइड है, ये कुछ ऐसे लुक आएगा। फोर्थ राउंड हमारा कंप्लीट हुआ, फ्लावर भी कंप्लीट हुआ। इन्हीं फोर राउंड्स को हम रिपीट करते जाएंगे और ये डिज़ाइन जो है आगे बढ़ता जाएगा। तो हमें क्या करना है, चेन वन बना के अपना फर्स्ट राउंड जो है रिपीट करेंगे। फर्स्ट राउंड क्या था हमारा सिंगल क्रोशेट का। हम अपने फर्स्ट स्टिच में फर्स्ट चेन को पिक करेंगे इस तरीके से और यहाँ पे क्या बनाएंगे सिंगल क्रोशेट। तो पहला राउंड हमारा सिंगल क्रोशेट का रहेगा, सेकंड राउंड हमारा स्लिप स्टिच का रहेगा और उसके बाद थर्ड और फोर्थ राउंड हमारे फ्लावर बनाने वाले राउंड रहेंगे दोनों। तो इस तरीके से बनाते हुए हम इस फोर राउंड्स को रिपीट करते हुए हम अपने इस डिज़ाइन के पैटर्न को कम्प्लीट करेंगे जितनी आपकी रिक्वायर्ड विड्थ हो। मैंने इतना बना लिया है, ये मैंने फोर रोज रिपीट करते हुए टोटल 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स रिपीट किया है इसको। ये फ्लावर लाइन जो है 7 टाइम्स है और फोर रोज लास्ट की बनाने के बाद फ्लावर वाली कंप्लीट करने के बाद मैंने एक लाइन जो है यहाँ पे सिंगल क्रोशेट की बनाई है। एक एक्स्ट्रा लाइन बनाई है मतलब यहाँ पे सिंगल क्रोशेट की, जैसे स्टार्टिंग में सिंगल क्रोशेट की लाइन है तो वही सेम पैटर्न सिंगल क्रोशेट की लाइन का मैंने यहाँ पे दिया है लास्ट में। तो सिंगल क्रोशेट की लाइन बनाने के बाद मैं यहाँ एंडिंग पे हूँ, मैं इसको इस तरीके से घुमाऊँगी और यहाँ पे इसको क्लीन लुक देने के लिए एजिंग करूँगी इस एरिया में सिर्फ। तो ये मैं इस तरीके से यहाँ पे इस कॉर्नर पे यहाँ पे सिंगल क्रोशेट बनाया है, एक और सिंगल क्रोशेट बनाऊंगी। यहाँ पे दो सिंगल क्रोशेट हो गए कोने में और फिर आगे बढ़ते हुए सिंगल क्रोशेट बनाती जाऊंगी। गैप आप अपने अकॉर्डिंग देख लें कि गैप कहाँ पर है, कहाँ पे मुझे सिंगल क्रोशेट बनाना चाहिए। इस तरीके से ये आगे बढ़ रही हूँ मैं, एजिंग कर रही हूँ। एजिंग करते हुए मैं कॉर्नर पे पहुँच गई हूँ और इस कॉर्नर के पॉइंट पे मैं इस तरीके से दो सिंगल क्रोशेट बनाऊंगी। सॉरी, एजिंग के कॉर्नर पे मैंने यहाँ पे एक सिंगल क्रोशेट बना लिया है। अब इसको कट कर लेंगे। कंप्लीटली पुल करके इसको हम यहाँ रॉन्ग साइड अंदर की तरफ मतलब हाइड कर लेंगे।
कर ली है। अब हम क्या करेंगे, दूसरी साइड भी एचिंग करेंगे। तो यहाँ पे एचिंग करने के लिए पहले हम क्या, यहाँ पे धागे को अटैच करेंगे। इस तरीके से धागे को यहाँ पे अटैच कर लेंगे और यहाँ पे सिंगल क्रोशेट बनाते जाएंगे। और इस धागे को जो ये यहाँ पे स्टार्टिंग का है उसको भी फंसाते हुए चलेंगे। एजिंग करते जाएंगे और इसको फंसाते हुए चलेंगे। इस तरीके से सिंगल क्रोशेट बना रही हूँ मैं। और देखिए धागा जो है किनारे पे ही, यहीं पे इसी में अंदर फंसाते हुए चल रहे हैं। एंडिंग पॉइंट पे सिंगल क्रोशेट बनाने के बाद अब हम धागा कट करके, जैसे हमने फर्स्ट टाइम यहाँ पे हाइड किया था धागे को कट करने के बाद, सेम उसी तरीके से इसको भी अंदर की तरफ यहाँ पे हाइड कर लेंगे। अब हम इसको प्लेस करेंगे जितना हमें, पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अब इसकी लंबाई चौड़ाई जो है कितनी है। इसकी लेंथ जो है 17 इंचेस है और हाइट जो है, इसकी चौड़ाई जो है 6.5 इंचेस है। अब हम इसको ऐसे करके और इसको इतना लगभग, ये है 5.5 इंच, 5.5 इंचेस हम इसको फोल्ड करेंगे। यहाँ पे इसको दोनों साइड से सीव करेंगे। पहले मैं इसको मार्क लगा लेती हूँ। इस तरीके से दोनों साइड मार्क लगाने के बाद अब मैंने ये नीडल में धागा डाल लिया है, सेम धागा, और मैं इसको मार्क निकाल के यहाँ से सिलना शुरू करूँगी। ये किनारे की चेन है उसको पिक कर रही हूँ मैं, और इसके किनारे की चेन को पिक कर रही हूँ अब, दोनों पार्ट के मतलब। इस तरीके से इस धागे को हम बाद में फिर स्टिच कर लेंगे अंदर की तरफ ऐसे। इतना लेने के बाद अब यहाँ से धागा डाल, सुई को डालेंगे और किनारे किनारे की चेन को ही पकड़ना है हमें ऐसे, एक एक चेन को पकड़ते जाएं और सीव करते जाएं। किनारे की एक चेन को पकड़ के सिलते जाए। इस तरीके से सिलता जाएगा। एंडिंग का पॉइंट सीव करने के बाद इसको हम इस तरीके से बॉटम पे ऐसे टाइट कर लेंगे और धागे को अंदर की तरफ ले लेंगे।
ये जो धागा है स्टार्टिंग का भी, इसको भी अंदर कर लेते हैं। टाइट करके पहले हम इसको फंसाएंगे, थोड़ा सा नीचे लाएंगे इस वाले पार्ट में। इस तरीके से हमने ये स्यू कर लिया एरिया, सेम इसी तरीके से इस साइड को भी स्यू कर लेंगे। मैंने इसको दोनों साइड से स्यू कर लिया है। ये हमारी ओपनिंग है। अब हम इसके लिए स्ट्रिंग बनाएंगे। स्ट्रिंग बनाने के लिए इस तरीके से धागे को लें और इतना लंबा रखें नीचे, इतना लंबा धागा लें एक्स्ट्रा, और इसको ऐसे नॉट बनाने के बाद यहाँ पे हम ध्यान दीजिएगा 1, 2, 3 एंड 4 फोर टाइम्स इस लूप में से इस तरीके से लंबे लूप को पुल करेंगे और फिर इसको ऐसे बांध देंगे। अब इस लूप में से हम 4 टाइम्स हुक को निकालेंगे 1, 2, 3 एंड 4 फिर से इसको बांध देंगे। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। मैंने ये 90 इंचेस तक लेंथ बनाई है। 90 इंचेस या जितना आप चाहें उतना बनाने के बाद इसको हम इस धागे को इतना लंबा लेके कट करेंगे। ये कुछ इस तरीके से बन गया है हमारा। अब हमें क्या करना है, इसको इस बैग में अटैच करने के लिए आप चाहें तो रिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो छोटे छोटे रिंग आते हैं 1 सेंटीमीटर डायमीटर के, वो यहाँ लगा के और फिर इस स्ट्रिंग को अटैच कर सकते हैं। मैं दूसरे तरीके से अटैच करूँगी, मैं बीड्स लगाऊँगी। मेरे पास ये कुछ बीड्स हैं इस टाइप के, आप चाहे तो कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, तो मैं इन बीड्स को इस्तेमाल करूँगी। इन बीड्स को इनमें से एक लूँगी और उसको पहले मैं इससे अटैच करूँगी, इस साइड से। ये इधर से डाला है मैंने और अब ये मैं इधर से डालूंगी। आप चाहे तो निडल की हेल्प से भी डाल सकते हैं, मुझे लगता है ऐसे चला जाएगा। ये ऐसे डाल के ये ऐसे फंस गया है। अब इसमें स्ट्रिंग में तो लग गया, अब हमें इसको बैग से अटैच करना है। बैग से अटैच करने के लिए ये जो पॉइंट है यहाँ पे बाहर, इस एरिया के बाहर हम लगाएंगे। इसके लिए हमें निडल की हेल्प ले सकते हैं और चाहे तो क्रोशेट की भी आप हेल्प ले सकते हैं, क्रोशिए की। इस तरीके से यहाँ पर इसको फंसाएँगे हम इस किनारे। ऐसे
एक धागा फंस गया है, अब इस धागे को इस साइड से फंसाएंगे। एक को इधर से लिया है तो एक को इधर से लेंगे। सेम जगह भी लगा सकते हैं, दूसरी जगह भी से भी पुल कर सकते हैं। ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे फंस जाएगा ऐसे। आप चाहे तो इसे छोटा बीट भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक साइड तो अटैच हो गया है हमारा स्ट्रिंग। अब दूसरी साइड अटैच करने के लिए इसका सेंटर लेंगे। इस तरीके से सेंटर लेंगे इस स्ट्रिंग का। ये देखिए मैंने दोनों बराबर पकड़ रखा है। ऐसे करके सेंटर लेंगे। ये आ रहा है सेंटर, ये वाला पफ आ रहा है। इस पफ में हम इस बीट को स्यू करेंगे। मैंने निडल में पहले से ही धागा डाल रखा है सेम कलर। अब इस जगह में बीट को अटैच करूंगी। इस साइड से ऐसे डाला मैंने, अब इस साइड से डाल लेती हूँ इसको ऐसे। ये इसमें अटैच हो गया है बीट। अब हम इसको भी यहाँ पे जैसे हमने यहाँ अटैच किया है बीट को, यहाँ पर भी इसको अटैच कर लेंगे। ये मैंने दोनों साइड स्ट्रिंग को बीट से अटैच करके और बीट को पर्स से बैक से अटैच करके मैंने इस तरीके से ये बना लिया है अपना। अब हम यहाँ पे इसके लिए एक क्लोजिंग लूप बनाएंगे और बीट अटैच करेंगे। पहले हम बीट अटैच करेंगे। मेरे पास ये बीट है एग्जैक्ट इसी कलर का है, तो मैं इसका सेंटर ले लूँगी 1 2 3 1 2 3 और इस सेंटर के इस को मानते हुए यहाँ पे बीट अटैच करूँगी 1 2 3 1 2 3। यहाँ पे इसको सेंटर में बीट अटैच चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6। एंड 7 चेन्स बना के एक बार देख लेते हैं। 7 चेन्स बनाने के बाद अब हम इसको यहाँ पे एक चेन छोड़ के दूसरे चेन से अटैच कर देंगे। इस तरीके से और इसको बैक में ले आते हैं हुक को अपने। पहले पुल कर लेते हैं धागे को कंप्लीटली। क्लोजिंग बन गया है
इस तरीके से ये बटन की तरह काम करेगा। अब यहाँ पे कुछ हम इसको डेकोरेट करने के लिए यहाँ पे कुछ बीट्स लगाएंगे, कुछ कट दाना एंड बीट्स है मेरे पास। ये इस टाइप के कुछ बीट्स हैं, इनको मैं इस पे स्यू करूँगी। यहाँ पे एकदम ये जो इसका मोड़ है जहाँ से ये मुड़ रहा है फ्लैप, उसके एकदम किनारे से इस वाले एरिया से शुरू करेंगे। पहले मैं धागा फंसा लूँ। धागा फंसाने के बाद इसको ऐसे कर लेते हैं और एक एक बीट को ऐसे लेते जाएंगे और यहाँ पे अटैच करते जाएंगे। जितना दूरी आप रखना चाहें उतना रख लें। इस तरीके से पूरी लाइन हम लगा लेंगे इस बीट्स की। यहाँ तक मैंने सभी बीट्स लगा लिए हैं। ये तो बीट्स हैं, ये मैंने यहाँ पे कट दाना लगाया है और आउटलाइन भी जो एक की है मैंने ये कट दाने की है। तो अब हमारा बैग जो है रेडी है। आप चाहे तो इसको एज अ हैंड बैग यूज़ करें शोल्डर पे हैंग करने के लिए, अदरवाइज इसको अंदर करके, इस स्ट्रिंग को अंदर करके और इसको ऐसे एज अ क्लच भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसे हाथ में लेने वाला। आप इसको किसी भी तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। आप चाहे तो दो स्ट्रिंग बनाएं मेरी तरह या फिर एक स्ट्रिंग बनाएं, जैसा आप इसको डेकोरेट करना चाहें वैसे कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें, बेल आइकन क्लिक करके मेरे सभी नए वीडियो ज़रूर देखें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।